दोस्तों बुजुर्गों, हम सब जानते हैं कि भिवंडी शहर टेक्सटाइल सिटी है, मैनचेस्टर है इंडिया का, और हमने असेंबली में कई बार आवाज उठाई कि सरकार इसकी तरफ तवज्जो दे, मदद करे, साथ दे, ताकि हम पूरी दुनिया में जो है और काम कर सके और चाइना जैसी कंट्री को भी हम पीछे कर सके। हमें रुकावट आती है, वो है टोरेंट पावर या बिजली का बिल। एक बिजली के बिल में बढ़त हो रही है, उसकी लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं, लेकिन एक पुराना सवाल जो है MSEDCL के बकाए का, वो हमारे सर पे लटकी हुई तलवार है, जिसकी वजह से बहुत सारे मीटर पीली है, कई लोगों को मीटर नहीं मिलते, कारोबार नहीं कर पाते। तो इस 75वीं सालगिरह में, देश की 75वीं सालगिरह अमृत महोत्सव में, हम सरकार से कह रहे हैं कि हमको आप अमृत योजना दें। जब अजीत पवार साहब DCM थे तब एक मीटिंग हुई थी और इन मुद्दों पे बात हुई थी और हमने इस स्कीम को पहली बार वहां पर पेश किया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भिवंडी शहर महाराष्ट्र का सबसे ईमानदार शहर बिल पेमेंट की बात, ये आप अगर देखेंगे तो ये चार्ट है कि जब टोरेंट पावर 2007 एक्ट में आया था तो बिजली के अंदर ट्रांसमिशन लॉस टीडी लॉस जो है 48% था, आज वो 11% है। इसका मतलब कि अगर एनर्जी लॉस देखें तो भिवंडी शहर का हर शहरी जो है बिजली का बिल भर रहा है, जबकि महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में आज भी बहुत चोरी है, लॉस है, जिसका लोड भिवंडी जैसे शहर को भरना पड़ता है। 2007 एक्ट में टोरेंट और सरकार के बीच में जो करार हुआ उसमें प्रिंसिपल अमाउंट जो MSEDCL का है वो और इंटरेस्ट अमाउंट का 50% पे करके आप पीडी मीटर को बंद कर सकते थे। लेकिन जब मुमराशील फाटा का एग्रीमेंट टोरेंट पावर और सरकार के बीच हुआ तो वहां पे बकाए को 10% रखा गया इंटरेस्ट की। तो एक ही राज्य में दो स्कीम नहीं हो सकती, हमने अजीत दादा को ये बताया था। हमने ये सरकार से कहा था कि आप ये MSEDCL को पे कर दीजिए जनरल बजट से, तो भिवंडी के लोग जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, आपको भी अपना बकाया मिल जाएगा, भिवंडी शहर के जो पीडी क्रेसिस है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हमने तब हमसे कहा गया था कि आप स्कीम बना के आइए, हमने ये स्कीम जो है सरकार को सबमिट की है, इसका नाम हमने अमृत योजना रखा है। मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में सरकार ये स्कीम को एक्सेप्ट करेगी। जनाब अबू आसिम नाजवी साहब, मैं, हम दोनों मिलकर असेंबली में इसके लिए लड़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आसिम भाई की क़यादत में भिवंडी शहर को ये इंसाफ मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि भिवंडी शहर और भिवंडी शहर का हर इंसान इसमें हमारा साथ दे। मुझे उम्मीद है जरूर साथ मिलेगा आने वाले दिनों में। इसको तहरीक की शक्ल में हमको लेना है, हमारे इन मसलों को हल करना है और भिवंडी की तरक्की जो है उसके अंदर हिस्सा लेना है। जय हिंद, जय समाज।